understand the person that you're talking about, this Arnab Goswami, you know, and all of that, they're sitting across this table and talking rubbish, which my lawyer has again. So when I come here, so how I look at Star Kill children is that they have 30% quota, how I had. The way it was edited, the way the scenes that we shot were missing in the thing, so that really disturbed me. So, ये किसने बनाई? मैंने बनाई है ना. मैं छोटे मोटे एक्टरों को जिनको एक्टिंग नहीं आती उनको रखूँ. उनका कह रहे हैं उनके ज़्यादा अच्छी एक्टिंग किसी ने की. जिनको एक्टिंग नहीं तो मेरी कसूर है क्या? And I think this is the first government and probably the first prime minister who is so inclusive of the art and artists. सुशांत सिंह राजपूत का मुद्दा अभी भी मीडिया में सुर्खियां बटोर रहा है. इस मुद्दे पर अब कंगना अपने इंटरव्यू को लेकर काफी सुर्खियां बटोर रही हैं। कुछ लोगों का कहना है कि वह ये सब सिर्फ टीआरपी के लिए कर रही हैं। कंगना ने रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क पर इंटरव्यू के जरिए कई लोगों पर इल्जाम लगाए हैं। ये वही कंगना है जो पहले अर्नब की आलोचना किया करती थी. When I went through exploitation, you know, by the person that I worked with, kind of lawsuits and the person that you're talking about, this Arnab Goswami, you know, and all of that, they're sitting across this table and talking rubbish, which my lawyer has again released a video, you know, sort of refuting everything that he has said. In that, this person who's been asking everyone to apologize, he has not asked him a single question. Why is that? So this sort of you know, very conditional journalism that you can only, you're going to, you know, whatever sails your boat, you know, is you can be this person, you are allowed to have your own perspective, but it should not be selective, you know. अब वे अर्नब के साथ और उनके चैनल के जरिए ही इस मुद्दे पर पूरी तरह सुर्खियां बटोर रही हैं. अकेले कंगना ही नहीं, मेनस्ट्रीम मीडिया भी अब इस मुद्दे पर काफी जोर देता दिखाई दे रहा है, मानो देश में बाकी मुद्दे खत्म ही हो गए हों. फिर सुशांत को मौत को आत्महत्या. सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस की जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है. सोनिया सेना की सरकार और मूवी माफिया सुशांत की मौत को आत्महत्या साबित करने में लगे हुए हैं. सुशांत उन गैंग्स के शिकार हुए जिन्होंने एक तरफ से बॉलीवुड पर कब्जा कर रखा है. सुशांत सिंह राजपूत की खुदकुशी के 45 दिन पूरे हो गए हैं और इस दौरान मुंबई पुलिस ने करीब 40 लोगों से पूछताछ की है. अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले में एक नया मोड़ आ गया है. आज पटना में सुशांत सिंह राजपूत के घर वालों ने रिया चक्रवर्ती के खिलाफ FIR दर्ज करवा दी है. रिया चक्रवर्ती सुशांत की प्रेमिका रही है, ऐसा कहा जाता है. शक के घेरे में रिया शुरुआत से ही रही. आज हम बात कंगना रनौत के बारे में करेंगे और उनके कुछ पुराने बयानों पर. नेपोटिज्म की बात करने वाली कंगना रनौत के बारे में सब जानते हैं और उनकी फिल्मों के बारे में भी. रिपब्लिक के इंटरव्यू में वे करण जौहर पर स्टार किड को लॉन्च करने को लेकर भी सवाल उठा रही हैं. पर हेडलाइंस टुडे को दिए एक इंटरव्यू में वे खुद ही स्टार किड की फेवर करती दिखाई दे रही हैं. सुनिए उन्होंने क्या कहा था. My father is a businessman, my mother is a teacher, and my grandfather is an IAS officer. And my great-grandfather was a freedom fighter. So when I was giving my PMT test for pre-medical entrance test, so I had a particular quota for me, you know. So because I come from this particular family. So when I come here, so how I look at Star Kill children is that they have 30% quota, how I had. You know, so I'm just kind of coming into their territory. If somebody else try to give PMT test, they won't get that percentage of quota. You know, so this is how I look. इसके अलावा रिपब्लिक टीवी को दिए इसे इंटरव्यू में उन्होंने स्वरा भास्कर और तापसी पन्नू पर भी काफी निशाने साधे. इसी तरह कुछ स्वरा भास्कर या तापसी पन्नू टाइप लोगों को अंगेस्ट कर देना कि यार इसको ही प्रॉब्लम है और सुशांत सिंह राजपूत को ही प्रॉब्लम है, बाकी तो हम आउटसाइडर्स को कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें तो बहुत प्यार किया जाता है, हमें तो बहुत सराहा जाता है. इन लोगों को अगर दोनों को प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम इनमें भी तो हो सकती है ना. तो उस टाइम में भी ये जो मुद्दा उठा था और जो लोग इसकी बात को उसको दबा दिया गया था क्योंकि हमें आउटसाइडर्स को ही हमारे अंगेस्ट कर दिया था और ये टेक्टिक से बहुत बार करते हैं. मगर अगर आप स्वरा भास्कर तपसी पन्नू ये लोग बी ग्रेड फिल्म में क्यों करते हैं, अगर इन लोगों को लगता है कि ये लोग आलिया भट्ट और इनसे तो अनन्या पांडे से तो ज्यादा टैलेंटेड है, ज्यादा खूबसूरत है, तो फिर ये बी ग्रेड फिल्म में क्यों करते हैं. अरे तुम्हारी पूरी एग्जिस्टेंस ही रिजल्ट ऑफ नेपोटिज्म है, तुम कहते हो नेपोटिज्म है नहीं. इसके जवाब में तापसी पन्नू ने ट्वीट किया और लिखा, मैंने सुना क्लास 12th एंड 10th का रिजल्ट के बाद हमारा रिजल्ट भी आ गया है, हमारा ग्रेड सिस्टम अब ऑफिशियल है,
अभी तक तो नंबर सिस्टम पे वैल्यू डिसाइड होती थी ना। स्वरा भास्कर ने भी इस पर ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा, 1955 में पाथेर पांचेली के साथ कंगना जी ने पैरेलल सिनेमा चलाया, 2013 में क्वीन फिल्म के साथ फेमिनिज्म की शुरुआत की, और इस सबसे पहले 1947 में उन्होंने भारत को आजादी दिलवाई थी। कंगना ने इंटरव्यू के जरिए महेश भट्ट पर भी काफी आरोप लगाए हैं। रिया उसकी एडी ने लिखा है कि महेश जी जब भी रिया को लगता था कि सुशांत को कुछ गलत फील हो रहा है तो वो झटपट से महेश जी को बुला लेती थी। तो ये रिया जो है उसके पापा को क्यों नहीं बुलाती थी, सुशांत के पापा को क्यों नहीं बुलाती थी, आलिया भट्ट के पापा को क्यों बुलाती थी? इस बियॉन्ड मुंबई पुलिस को पूछना चाहिए, मैं थोड़ा पूछूंगी, ये मुंबई पुलिस को पूछना चाहिए कि महेश भट्ट तू वहां क्या करता था। और उसकी एडी ने लिखा है, महेश भट्ट की एसोसिएट ने लिखा है लेटर में, जो लेटर आपको पब्लिक डोमेन में मिल जाएगा, उसने लिखा है कि जब जब सुशांत ड्रिफ्ट होता था तो महेश भट्ट कहता था, यू आर नॉट ड्रिफ्टिंग, यू आर ड्राउनिंग लाइक प्रवीण बाबी। अब ये तो उसने उसको बहुत अच्छा पेंट करने के लिए बताया है, महेश भट्ट को अच्छा पेंट करने के लिए बताया है। पहले कंगना महेश भट्ट के बारे में क्या सोचती थी आप ये भी देखिए। I was fortunate enough to get my first break with Mahesh Bhatt, who according to me is one of the finest teacher of the art. What is the difference between somebody who comes from outside the industry without a forefather, without, you know, some a godfather, and somebody who comes in without knowing anyone and has to make a mark for herself? The truth is that really doesn't matter. Once your film releases, it's hard to get that first break, but once your film releases, it's up to the audiences, and so many of them have been rejected. No matter where you come from mountains like me, or you come from California, really doesn't matter. You know, just people who decide, and nothing really matters. Each one has their own struggle to go through. Nepotism की बात करने वाली कंगना अपनी फिल्म मणिकर्णिका को लेकर भी काफी विवादों में घिरी रही थी। उन पर ये आरोप लगाए गए थे कि कंगना ने कुछ एक्टर्स के सीन जबरदस्ती काटे हैं। सोनू सूद ने भी अपने एक इंटरव्यू में कंगना को लेकर एक टिप्पणी की थी। There was a time when somehow things didn't go very well with the director and I think Kangana, and I was not aware about it. And then they planned to shoot the film, reshoot the film, and I requested them to, you know, that because I wanted to see the film, that what exactly you want to reshoot it. And I said, okay, I'll come and we'll shoot few scenes if we think they are important to shoot. And but when I saw the film, I felt the way it was edited, the way the scenes that we shot were missing in the thing. So that really disturbed me. The fact that, you know, we had put so much of hard work shooting those scenes, and when I asked for those, then they said, you know, we want to reshoot some portions of the movie, which I was very surprised. Manikarnika film ko lekar Kangana ne Republic Bharat par interview diya, jisme unse film ko lekar uth rahe vivadon par sawal kiye, jisme vah kahin na kahin ye maan rahi thi ki unhone scene kaate hain, aur un actors ki acting par bhi sawal khade kiye unhone. क्रेडिट है फिल्म मिष्टि चक्रवर्ती का, कह रही है कि मैंने काशी बाई का किरदार निभाया है, किरदार तो निभा लिया लेकिन मेरे किरदार को काटा गया है, जिस तरीके से दिखाना चाहिए था दिखाया नहीं गया है, और कई तरह की एलिगेशन आप पर लगाई गई हैं ऐसे, लेकिन आपको कई सारे कैरेक्टर्स हैं जो कि मणिकर्णिका के साथ एसोसिएटेड हैं। लेकिन बात बताइए, जिसने भी ये फिल्म देखी है उसने कहा ये अब तक की सबसे बेहतरीन ऐतिहासिक फिल्म बनी है। ठीक है, ठीक है। सो ये किसने बनाई? मैंने बनाई है ना, मैं छोटे मोटे एक्टरों को जिनको एक्टिंग नहीं आती उनको रखूंगी कि जहाँ पे ढंग के। अंकिता लोखंडे शी इज गेटिंग सच अ गुड रिव्यू, उनका कह रहे हैं उनके ज्यादा अच्छी एक्टिंग किसी ने की, जिनको एक्टिंग नहीं तो मेरी कसूर है, कितने प्रोड्यूसर ने मुझ पे पैसा डाला है कि शी इज आवर डायरेक्टर। ये कह रही है कि एक तरह से उनको टारगेट किया। अरे छोटे मोटे एक्टर कौन है तो मुझे कह रहे हमारा रोल रखो। आप मुझे कंगना ने इसी फिल्म को लेकर एक बयान में कहा था कि जब वह शुरू में आई थी तो उनके सीन भी काट दिए जाते थे। आप ये भी पूरा बयान सुनिए। कह रहे हैं कि हमारा रोल काट दिया या हमको कुश्ती का सीन निकाल दिया या हमारी आवाज़ नहीं डाली। तो मेरा उन लोगों को ये कहना है कि देखिए, जो भी आज तक मैंने जगह पाई है लाइफ में, चाहे एज एन एक्टर, 3 times नेशनल अवार्ड विनिंग एक्टर या फिल्म मेकर, मैंने अपनी मेहनत से पाई है, मेरे पिताजी ने मुझे नहीं दी। आप भी ये जगह पाइए, रोकर क्या होगा। मैंने भी 5 मिनट के रोल से शुरू किया है, मैंने भी कई फिल्मों में मेरे रोल काटे गए हैं, कई फिल्मों में मुझे लास्ट मिनट पे निकाला गया है। इस पर अनुराग कश्यप ने भी ट्वीट किया और उन्होंने लिखा, सक्सेस और ताकत का नशा हर किसी को बराबर बहकाता है, चाहे वो इनसाइडर हो या आउटसाइडर। मुझसे सीखिए, मेरे जैसा बनिए, ये बात मैंने 2014 से पहले उसके मुंह से कभी नहीं सुनी।
और तब से अब तक यहाँ आ पहुँची है कि जो मेरे साथ नहीं है वह सब मतलबी और चापलूस हैं। इसके अलावा कंगना कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स में भी बीजेपी से जुड़ी दिखाई देती हैं। अपने एक बयान में उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा और कहीं ना कहीं बीजेपी के फेवर भी करते दिखाई दी। इससे पहले तो हमारा देश गुलामी था, जहाँ पे ये सब जितने भी हमारे पॉलिटिशियन लंदन में चिल करते रहते थे, और देश की जितनी दुर्दशा है, जितनी गरीबी को लेके, पोल्यूशन को लेके, इकोलॉजी को लेकर, रेप को लेकर, जिस तरह से दुर्दशा है, हमारा देश जिस स्थिति पे था जब तक कांग्रेस थी, उससे बुरी स्थिति हो नहीं सकती थी। सो जैसे मैंने कहा, अब हमारा स्वराज और स्वधर्म का टाइम आया है, सो वी शुड बी कम्प्लीटली गोइंग इन लार्ज नंबर्स एंड वोटिंग फॉर इंडिया। क्या कंगना ने कभी बढ़ते पेट्रोल प्राइसेस पर ट्वीट किया है? क्या कंगना ने वुमेन सेफ्टी पर कुलदीप सेंगर और चिन्मय नंद पर कोई सवाल किए हैं? शायद नहीं। जब सभी एक्टर्स प्रधानमंत्री से मिलने गए थे, तब भी कंगना बीजेपी को लेकर तारीफों के पुल बांध रही थी। And I think this is the first government and probably the first prime minister who is so inclusive of the art and artists and the film industry. I must say that no one has given the industry so much respect before, and nobody has recognized the soft power and the strength of artists in the country before. So for that, from the bottom of my heart, on behalf of the entire industry, I thank our prime minister. तो आपने देखा कि कैसे आज नेपोटिज्म और सुशांत सिंह राजपूत की मौत का फायदा उठाने वाली कंगना रनौत पहले क्या कहती होती थी इन्हीं मुद्दों को लेकर। मैंने कहा, हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब टुडे टीवी। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज़ प्लीज क्लिक द बेल आइकन।